गिरफ्तारी के आइल बा। ओकरा बाद में हमरा बहुत मने दुख भइल जे हेतना हमर बेटा मने घर दुआर सब त्याग के सब लोग हेतना आर्मी के बेटा के ऐसे फसावल जाता कि जे आर्मी उनकर पापा बड़े तो बॉर्डर पर रक्षा करता रहे आ बेटा पूरा देश के बिहार के रक्षा एकदम हम तो प्रधानमंत्री देखे के चाहत नहीं बेटा के काम नहीं करो एगो मने छोट लेवल का आदमी उठा था ऊपर तो उकरे के दबाव लो जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RAR 24 न्यूज़। दोस्तों हम बात करेंगे बिहार के सन ऑफ बिहार और स्वतंत्र पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में। जिस प्रकार से चौतरफा आज मनीष कश्यप को घेरा जा रहा है, वहीं उनकी माताजी जो हैं आज मीडिया के सामने आकर के गिड़गिड़ा रही थी, ये कतई शोभा नहीं दे रहा है। और आज जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का प्रयास किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। लालू प्रसाद के छोटे बेचे जो तेजस्वी बाबू जो हैं, उनको शर्म तक नहीं आई कि इनके ऊपर मनीष कश्यप के ऊपर जा करके FIR दर्ज करा देते हैं। क्या मनीष कश्यप देशद्रोही हैं? क्या आतंकवादी हैं? क्या किसी के बहन बेटी के साथ रेप बलात्कार किया है? ये सब मुझे कहने में गुरेज नहीं है भैया। उसने हकीकत दिखाया था। क्या दिखाया था? कि तमिलनाडु में जिस प्रकार से बिहारी मजदूरों के साथ, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को जैसे उनका शोषण किया जा रहा है, बिहारी मजदूरों को किस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा के अंतर के आधार पर उनको पीटा गया, उनका शोषण किया गया था, उसको दिखाया तो उसको पीटा। लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप ने ये चीज़ नहीं दिखाया था, उसे उन तमाम मीडिया वालों ने, उन तमाम प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दैनिक भास्कर हुआ, हिंदुस्तान हुआ, अमर उजाला हुआ, तमाम जी न्यूज़ से लेकर न्यूज़ 18 तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और जा करके कुछ चड्डी छाप बिहार के पत्रकार जो हैं चिल्ला रहे थे, कहाँ है सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार, और उल्टे बोल रहे थे मनीष कश्यप को कि चड्डी छाप पत्रकार। अरे मनीष ने जो काम किया है ना, वो काबिलिय तारीफ है, दम है। एक देश के जाबाज सैनिक का बेटा है जो भारत माता की रक्षा बॉर्डर पर करता है, उस माँ का बेटा है जो हमेशा जिसके रग रग में देश हित भारत माता का सीना धड़कता है, आज उसकी माँ को ऐसे ही माफ़ी मांगना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है। सुशासन बाबू ने खुद ही कहा था कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा किया जा रहा है, ये कतई शोभा नहीं देता है। उससे पहले उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए था। और जब आप लोगों ने ऐसा किया तो हकीकत दिखाया तो क्या मिर्ची लग रही? देखिए एक माँ होकर के किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिड़गिड़ा रही है। का कहम, गलत फंसावल जाता जे अपन मने सच से दिखलावता रहे ना, तो आवाज के दबावे के चाहता लो, वही से सब गलत में इस सब फंसावल जाता। अच्छा, ये का है साजिश करता लो जाने लो, सच्चाई देखला होता रहे तो इसे शुरू से इनके के फंसावले जाता, आज भी फंसावल जाता। तो सरकार से क्या कहे के चाहे? सरकार से ये कहे के चाहता नहीं जे इतना गलत काम जन करो, इतना जन फंसावलो हमरे बेटा के। हमर बेटा गलत काम नहीं के करो, एगो मने छोट लेवल का आदमी उठा था ऊपर तो उकरे के दबाव लो जा, जे मने आगा मुहे बढ़ता रहे तो बढ़े देवे के, कोनो ना कोनो मने साजिश बा, तभी इतना हमरे बेटा के फंसावल जाता। अच्छा, आर्मी के बेटा के ऊपर ही क्यों साजिश किया जा रहा? आर्मी के बेटा के ऐसे फंसावल जाता कि जे आर्मी उनकर पापा बड़े तो बॉर्डर पर रक्षा करता रहे आ बेटा पूरा देश के बिहार के रक्षा करता रहे, तब यही के चलते वो छोट लेवल का आदमी देखे उनकर के फंसावल जाता। वो तो कोनो गलत नहीं खन गए, वहाँ तो तमिलनाडु में सब मजदूरा पीटा था, बिहार के लोग पीटा था, प्रिंट न्यूज पर चलल थी, प्रिंट पर काहे नहीं खेलो कार्रवाई? अब ना करावतलो तो बहुत बड़ा लेवल के आदमी हुई, वैसे ना हुई वो आदमी के पार्टी के हुई, वैसे ना हुई आ इनकरा के गरीब जान के फसावल जाता है, जे इनकर आवाज बंद हो को आई आगा मुहे बढ़स। हाँ, जे आगा मत बढ़ो। हाँ, आगा मुहे मत बढ़ोस ना तो मुख्यमंत्री आगे चल के बन जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो मैंने प्रधानमंत्री देखे के चाहत नहीं बेटा के, सपोर्ट करो ना, सपोर्ट करी तो हमारे बेटा एकदम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, लालू यादव के परिवार से क्या कहे? लालू यादव के परिवार से ये कहे रबड़ी दीदी से कि जे FIR ये सब गलत भइल बा, वापस ली आ ना त
तो इजाजत दी तो हम वहाँ से आके मिले कि जे हाँ एगो राउर बेटा मने ए युवा बाटे जैसे हमरो बेटा युवा बा तो कुछ लेके हम उनका लगे जाए कि जे हाँ हमरे बेटा के सपोर्ट करो। अच्छा जब FIR भेल तब रोकेंगे बुझाए एगो निर्दोष के FIR भेल 7 तारीख के 7 बजे हमरा मिलल टाउन थाना से 2 आदमी गेल कि जे हई पटना से आयल बा नोटिस आंटी जी मनीष जी के माँ हई हम कनि हाँ तय पर दस्तखत कके दी तो दस्तखत कके हम दे देनी ओकरा बाद में हम समझनी कि जे जे माने हमरा बेटा के नोटिस आइल बा ये FIR के ना माने गिरफ्तारी के आइल बा ओकरा बाद में हमरा बहुत माने दुख भइल जे हतना हम बेटा माने घर द्वार सब त्याग के आ सब लोग लख हई हतना इति करता लेकिन फिर भी पूरा बिहार एक वट जाई आ पूरा मजदूरा एक वट के आम करा के सपोर्ट करी तो होइसा ना हो सकत। अच्छा लोग तो सपोर्ट कर ही रहे लेकिन नेता क्यों जल रहे हैं? अब नेता मैंने कहा जलता जो छोट लेवल का आदमी बाबू को चलते जलता कि आगा मुहे बढ़ू जल लेकिन भगवान के अथी होगी तो जरूर आगे मुहे बढ़ी। अच्छा प्रधानमंत्री से क्या कहे चाहे? प्रधानमंत्री से ये कहे के चाहता नहीं जे अब गलत में हमरा बेटा के मत फंसाओ लो FIR अपन आपस ले बोलो इतना जन फंसाओ लो। FIR के पीछे केकर केकर हाथ बा रहुआ से हम तो सुनिए मैंने तेजस्वी के अथी जी के हाथ बटे में तेजस्वी यादव के हाँ हाँ क्यों उनको अब पता ना जे उनका ऐसे कौन मने थी बट जलन बकी जी तो नहीं देख रहे हैं कि 2024-25 में कहीं मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा वो तो बबू सब तो लिखन से को भगवान कर से हमर बेटा मुख्यमंत्री बनोस प्रधानमंत्री बनोस। अच्छा मनीष कश्यप अब अरेस्टिंग देंगे कि नहीं? अरेस्टिंग कैसे दी है ना दी है काहे दी है कोनो गलत काम कइले बड़े बोलो तरन तक कहा फिर उनकर माँ है तो हमरा माओ को तो बात उनका माने के चाहिए कैसे वो दी है अभी तो इतना हमरा दर्द बा अरेस्टिंग दे दिए तो कितना दर्द हुई। अच्छा ये बताइए आज जन्मदिन है वहाँ के तो वो क्या कहके चाहते हैं? जन्मदिन के तो वो तो 2400 घंटा हमरा आत्मा बढ़े जो भगवान उनका के लंबा उम्र दे ये उससे आगा बढ़ोस तरक्की करस लेकिन उनका से बात तो हमरा ना भइलो। पूरी दुनिया जिस दिन होली मना रहा था उसी दिन नोटिस आया कैसा परिवार पे हाँ तो परिवार पे भी तो उनका पापा 6 महीना पर घरे हुई खुशी से वही जो खुशी खुशी से रहें हमारे बेटा आई बेटा अहन तो एक रात तो हम से बात करे तो कुछ ना भल ना होली मनल ना बेटा से बात भूल ना बेटा से मिल ली कुछ ना भय। तो जैसे कि तमिलनाडु के खबर चलाने पे उनको बोला जाए कि अफवाह फैला रहे हैं उसी प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया था कि तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों के साथ गलत किया जा रहा है लेकिन उसी सच्चाई को मनीष कश्यप दिखाए तो मनीष कश्यप पे FIR हो गया लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पे FIR नहीं हुआ उस पर आप क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री पर कैसे FIR कर उनके पास पावर है उनका पास पावर बा उनका पास सब बा आ इनका पास पावर नहीं के उसे फंसावल जाता इतना सारा दुनिया देख लो। स्वतंत्र पत्रकार को टारगेट करने का वजह क्या हुआ? अब वो जब गरीब है गरीब है फैमिली हाँ, से है। छोटे फैमिली से यही के चलते इनका के बार बार फंसावल जाता बार बार केस कर जाता बार बार मने नोटिस आता। अच्छा जिस वीडियो को वजह से उनको पर FIR किया गया क्या आपके नजर में वो वीडियो गलत है? एकदम नहीं के गलत हम दिन रात देखो तनी आज से ना 10 बरिस से मने हम सुना तनी की जो मजदूरा गरीब पिटा था बाहर जाता। नेताजी लोग कौन से नजरिया से देखते हैं कि जो वीडियो गलत है? तीसरा नजरिया से दूसरा नजरिया से ना तीसरा नजरिया से देखो। अच्छा इस FIR को लेकर मनीष कश्यप जी के पिताजी का क्या राय है? बहुत तकलीफ में बानी का राय बाबू तो राजनीति से एकदम दूर रही। अच्छा इस FIR को लेकर आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? अब अगला कदम के तो मुझे समझता लू की जे का करी लो अब हम का कह सकता। अच्छा तो रहुआ का चाहता नहीं? हम चाहता नहीं कि जे FIR मने आपस करो लो हमारे बेटा के मने इस सब से छुटकारा करो लो किस मुकदमा से बहुत ज़्यादा किस मुकदमा हो गई बहुत आत्मा के तकलीफ रहता हमारा घरे तो कोई मने पति हमारे बहरे रहता नहीं बेटा हमारे पूरा देश के सेवे करता रहे अकेला हम रहता नहीं अब हमारे पर का बीतता से अब जिम्मा बसी समझी। अच्छा मनीष कश्यप को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं? एकदम मिलना चाहिए एकदम मिलना चाहिए मनीष कश्यप को। अच्छा तो पूरा लोग से क्या कहना चाहते हैं? पूरा बिहार के जनता पूरा बिहार के जनता से ये कहता नहीं जितना लोग ही देखो था
कितना लोग हमारे बेटा के सपोर्ट करो आ वीडियो बनाओ कि जे गलत बात बा इनकरा पर एफ आई आर भइल बा गलत बात बा इस सच दिखलावा तर इनकर आवाज दबावल जाता है इस सब उनकरा से माने बहुत लोग साजिश करता ते गलत मत करो सही माने करो। अच्छा एक बेटा के इंसाफ के लिए माँ कब जा रही है राबड़ी देवी के आवास पे? जब इजाजत हुई जब बोले हैं तब जाए नहीं बुलाए तो तब मतलब किनका इजाजत आप मांग रही हैं? राबड़ी दीदी के उनका इजाजत। हाँ हाँ तो आपको विश्वास है वहाँ जाने से मनीष भैया पे FIR वापस हो जाएगा? अब गैले के बात बाकी जे आपस होगा तो की कहाँ होता हम तो ये चाहे जी मैंने आपस हो जाए। अगर FIR वापस नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा? हम क्या करें कुछ ना करें हम छूट लेवल के बनी हम क्या कर सकता नहीं। आप बताइए कि इसी तरह जो मनीष कश्यप जो है सच दिखा रहे हैं और इसी तरह जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है अगर इसी तरह दबाया जाएगा तो क्या बिहार से सच गायब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कभी ना बिहार तब और बिहार नरक हो जाए कभी ना सुधरी। लेकिन जो यहाँ के नेता है वो तो सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं तो सब नेता बिहार के नेता मने चाहता तो इनको आप क्या बोलना चाहिएगा कि सच को दबाए और आगे को लेके जाए सच के और आगे बढ़ाओ सच के बिहार के सुधारो हम तो ये बोलेगा चाहते हैं। बिहार के एक पत्रकार मनीष कश्यप जी हैं जो आवाज उठाए हैं या सच को दिखा रहे हैं तो उन पर FIR हो रहा है और यहाँ बिहार के तमाम पत्रकार क्या कर रहे हैं वो भी तो सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं अब बारी बारी से सब लोगों पर FIR होगा तब आप लोग क्या कीजिएगा? आवाज ही ना उठा सकते हैं आवाज ही उठा सकते हैं तो आवाज उठाइए आप सब लोग आवाज उठाइए सब लोग एक मिल के अब थोड़ा तनी टाइट से आवाज उठाए बारी बारी से तो हम लोगों पर जो भी मीडिया वाले हैं वो सिर्फ मनीष कश्यप के दोस्त हैं उन्हीं लोगों पे FIR हुआ है जबकि दूसरा जो मीडिया है जैसे प्रिंट मीडिया या टीवी वाली मीडिया उन लोगों पे नहीं हुआ तो वो है ना मैंने आवाज दबावे के चाहता साजिश बा नेता लोग पे नहीं हो रहा है जो कि वो भी ट्विटर पे भी वीडियो को शेयर किया हाँ, एकदम शेयर कर लेवा सब कोई बात वो लोग ज्यादा लेवल के बात वो लोग कैसे कोई दबाई बोलो कर बताइए आंटी जी कि विधानसभा में भी कुछ नेता लोग आवाज उठाए ले हां विधान FIR ना भए तो पर क्या तो पर का कैसे करी लो वो सब मिलता जुलता बा मिलता आंटी जी रहुआ बताइए रहुआ का लागत जो विधानसभा में जो एति भई रहा है वो मैं जो और पक्ष के नेता रहो वो कहते लोग ऐसा कांड होता लेकिन उप मुख्यमंत्री साहब होते रहो में गुंडा ही रखा होता पर वो क्या खर्च चाहते नहीं पर तो गलत काम करता नहीं वो गुंडा ही जैसा बतिया था हाँ तो गलत काम बा सही दिखला हो तब फिर आगाम में वो बढ़िए। अच्छा बताइए पूरा पूर्ण रूप से जाँच हो सके चाहिए कि ना एकदम जाँच होके चाहिए कौन कौन सा धारा लगा हुआ और धारा के तो हमरा पता नहीं है। अच्छा आप बिहार के मजदूरों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में है? बिहार के मजदूरों के ये कहम कि जे ओकर साथे इतना अन्याय ना हो के चाहिए बिहार में रोजगार मिलो बिहार से बाहर जन जा जे बिहार में जाता पिटा जाता दो महीने चार महीने का तनख्वाह छोड़ के अपन जान लेके भाग जाता। सब लोग से ये कहम कि जे पूरा गुट एक हो के आ मनीष कश्यप के साथ देवो कि जे अपन बिहार सुधरो अब पूरा लोग साथ दी तबे जाके बिहार सुधरी एक आदमी के कहले से ना सुधर सको तक बिहार के मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? ये कहम कि जे सच्चाई के माने आगे बढ़ाई या गलत के दबाई सच्चाई के मत दबाई गलत के दबाई तो सच्चाई के दबा के गलत के आगे मुंह ये तो नेता लोग तो उल्टे करते लोग गलत के हां एकदम उल्टे करते लोग सच के नीचे दबाते रहलो तो ऐसा ना काम करी सच के दिखलाई सच के आगे मुहे बढ़ाई गलत के दबाई तो सरकार के सिस्टम में तो तमाम सारे लोग इसने बाजवन के एकदम क्राइम करप्शन के आगे बढ़ावा था सच देखावे अलग है वो दबा दिया था तो गलत ही गलत बा एकदम गलत सवाल तो एक बा जरिया सुर नु खत्म करे के चाहे ते इतना जरिया सुर खत्म अब के कर सकता सारा लोग।